नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहटा में जल्द ही बनेगा आईटी पार्क, उक्त ऐलान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। बिहार में बजट पेश होने से पहले पुराने सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विचार विमर्श के बाद इस बात पर मुहर लगाई है, जिसके तहत अब तक 58 करोड़ में आईटी पार्क और पटना के डाक बंगला के पास आईटी टावर के लिए जमीन आवंटित किया गया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत सरकार के सहयोग से 53 करोड़ की लागत से पाटलिपुत्र स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के विस्तार का काम शुरू करवाने का भी ऐलान किया है। प्रशांत किशोर को लेकर तेज प्रताप यादव ने कही बड़ी बात। जदयू से बाहर निकले प्रशांत किशोर को लेकर अब तक कई तरह की कयासबाजियां लगाई जा चुकी हैं। यहां तक कि जदयू के तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को राजद में सम्मिलित होने का न्योता तक भेज दिया था। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से पलटी भी मारी है, जिसके पश्चात उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने या न करने का फैसला शीर्ष नेतृत्व ही लेगी। जेपी सेतु पर ट्रकों के परिचालन पर नहीं लगेगी रोक, सभी ट्रक चालकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार द्वारा ट्रक की व्यवस्था को जेपी सेतु पुल पर रोके जाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब ट्रकों के परिचालन पर किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। वहीं खबरों की माने तो प्रशासन ने पुल पर बढ़ते भार को देखते हुए सुबह 5 बजे के बाद नहर पर ट्रक के नहीं होने का निर्देश जारी किया है, यानी कि सुबह 5 बजे से पहले सभी ट्रक चालकों को अपना ट्रक नहर के पास से हटा लेना होगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि जेपी सेतु पुल पर ट्रकों का परिचालन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव को राजनीति छोड़ने की दी नसीहत। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने हाल ही में तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी का करारा जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है। शायद यही वजह है कि अब तक तेजस्वी यादव सामाजिक संबंधों का तकाजा नहीं सीख पाए हैं और न ही राजनीतिक मर्यादा की भाषा। ऐसे में भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव को राजनीति को छोड़ने और अपनी योग्यता अनुसार कोई और काम ढूंढने की नसीहत दी है। जल्द ही पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की होगी बहाली, सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। जल्द ही सूबे के लगभग 38 सरकारी इंजीनियरिंग और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिसके तहत अब लगभग 1200 शिक्षकों की स्थायी बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। आपको बता दें, इन सभी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जाएगी। बांका के अनमोल और अपूर्व टीवी इंडस्ट्री में बिहार का बढ़ा रहमान। बिहार के बांका जिले के अपूर्व और अनमोल इस समय में स्टार प्लस के मशहूर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के लव कुश का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें, लव कुश का किरदार निभा रहे अपूर्व और अनमोल मूल रूप से बांका के तिलडीहा के रहने वाले हैं और इनका नानी घर भागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर के पास स्थित है। जेई मेन पेपर 2 के परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव। जेई मेन की पेपर 2 की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। जेई मेन्स ने परीक्षा 2 में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न में काफी बदलाव किए हैं, जिसके लिए सभी छात्रों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें, परीक्षार्थी 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जेई मेन के दूसरे पेपर के लिए आवेदन भरेंगे। हालांकि यह परीक्षा अप्रैल महीने में ली जाएगी। पटना के थानेदारों के फोन नहीं उठाने की बात आई सामने। हाल ही में एक महिला ने राजधानी पटना की पुलिस चौकियों के बारे में बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पुलिस चौकियों में मौजूद पुलिसकर्मी आम जनता द्वारा किए गए फोन का जवाब नहीं देते हैं, जिसके बाद से एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मामले की गहनता को समझते हुए सभी थानेदारों को संभल जाने की सलाह दी है और भविष्य में इस वाक्य को न दोहराए जाने की भी अपील की है। IGIMS पटना ने सीनियर रेजिडेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। IGIMS पटना ने सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए कुल मिलाकर 45 पदों पर नियुक्तियों की मांग की है। वहीं इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में MS MD की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं इन पदों के लिए आवेदन भरने के लिए सभी अभ्यर्थियों से यह भी अपील की जाती है कि वो आवेदन भरने से पहले सारी जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पढ़े। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IGIMS.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे आचार्य शिव पूजन सहाय की। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। आचार्य शिव पूजन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी आरा जिले से ही पूरी की थी। उसके बाद वो कलकत्ता चले गए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने, जहां पर उन्होंने प्रेमचंद के साथ भी काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने काशी में प्रवास और पत्रकारिता और लेखन में भी अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया है। शिव पूजन सहाय को उनके जीवन में प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में कई ख्यातियां प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के लोगों के अपमान की कही बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे जदयू पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वो भाजपा प्रत्याशी महेंद्र नागपाल के समर्थन में जनसभा करने वजीरपुर पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों का हमेशा अपमान ही किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के उन इलाकों में कोई काम नहीं किया जहां पर बिहार की आबादी ज्यादा है।
सुशील मोदी ने बिहार में निर्यात में बढ़ोतरी का किया दावा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उक्त बातें स्टेट क्रेडिट सेमिनार के उद्घाटन के पश्चात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बिहार से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद में 46.1% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राष्ट्रीय निर्यात दर की बात करें तो वह 8.1% है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि साल 2018 और 19 की बात करें तो साल 2018 में कुल मिलाकर 1748 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया है। वहीं साल 2019 की बात करें तो अब तक 2025 करोड़ के सामान का निर्यात किया गया है। पटना के अगमकुआं में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जो भी लोग पटना घूमने आए हैं वो पटना के इस अगमकुआं का दर्शन करने जरूर जाएं। अगमकुआं एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्षों से कई मिथकों और तथ्यों से संबंधित है। सबसे लोकप्रिय संघ मौर्य राजा अशोक के साथ का है। यह कुआं कभी अशोका के प्रसिद्ध कक्षों का हिस्सा हुआ था, जो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इस अगम कुआं को लोग प्रार्थना और मन्नतों को प्राप्त करने के लिए कुएं की वंदना करते हैं और फूल और सिक्कों को डालते हैं। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी को लेकर कही बड़ी बात। कई दिनों से सीएए लागू होने के कारण देश भर में जगह जगह लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए एनआरसी लागू करने पर अड़िग सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अभी एनआरसी लागू करने पर नहीं सोच रही है। अमित शाह के साथ साथ नित्यानंद राय ने भी अमित शाह के ऐलान को दोहराते हुए इस बात की पुष्टि की है। लालू यादव को लेकर रामकृपाल यादव ने की टिप्पणी। लोकसभा से पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने लालू परिवार को लेकर एक के बाद एक टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू यादव की पार्टी में मैंने अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी है, मगर लालू यादव ने अपने स्वार्थ के लिए एक मिनट के अंदर मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। मैं भाजपा में नया था, मगर फिर भी भाजपा पार्टी ने मुझे मेरी इज्जत दी और नेता बनाया। उनके साथ रहता तो मुझे कभी नेता बनने का मौका भी नहीं देते। दरोगा बहाली परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थी उतरे सड़कों पर। पटना में बिहार दरोगा अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरने लगे थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरकर ये सभी अभ्यर्थी जगह जगह दुकानों को बंद करवाने का काम कर रहे थे, जिसके लिए जगह जगह पर पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर खास ध्यान दे रही थी। मामला हाथ से निकलता देख प्रशासन ने आनन फानन में इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया और साथ ही इन सभी अभ्यर्थियों को जगह से हटाया। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,600 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,600 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 77.78 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.81 रुपए प्रति लीटर था। गुरुवार तक बारिश होने की संभावनाएं बढ़ी। फरवरी का महीना आ गया है, मगर लोगों को ठंड से निजात अभी तक नहीं मिल पाया है और आने वाले एक दो दिनों तक इसकी उम्मीद भी नहीं जताई जा सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले एक दो दिनों में पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। राजधानी पटना की बात करें तो अब तक पटना का मौसम सामान्य रहा था, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बारिश हुई तो ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ जाएगा। दानापुर अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर उतरे सड़कों पर। बिहार के पटना के पास दानापुर अनुमंडल अस्पताल के सभी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के कारण अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है। इन कर्मचारियों के काम बंद करके सड़क पर उतरने से अस्पताल आए लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। पेंशन धारकों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार जल्द ही सभी पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत अब सभी पेंशनरों को उनका जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बैठे मिलेगा और साथ ही यह भी साफ किया गया है कि यह व्यवस्था सभी पेंशन कर्मियों को मात्र 60 रुपए में दी जाएगी। इसके लिए पेंशन मंत्रालय ने पेंशन बांटने वाले बैंकों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि जिन भी पेंशन भोगियों ने 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है अब उनके घर इस प्रमाण पत्र को पहुंचाया जाएगा। दूसरे दिन भी राजधानी पटना की सफाई व्यवस्था रही डाबाडोल। नगर निगम के प्रतिदिन वेतन भोगी सफाईकर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। हालांकि बाद में सरकार ने इनकी मांगों को मानते हुए 1 फरवरी से सभी प्रतिदिन वेतन भोगी कर्मियों को हटाने का फैसला वापस लिया था। बावजूद इसके दूसरे दिन भी लगातार पूरे शहर की सफाई व्यवस्था डाबाडोल दिखी। लगातार दूसरे दिन भी सफाईकर्मी अपने काम पर वापस नहीं लौटे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे। न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय टीम टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सुपरा साफ करने के बाद आज 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मैच हैमिल्टन के सेडोन पार्क स्टेडियम में खेलेगी। हालांकि टीम के उपकप्तान और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। आज का मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा।
माहिरा शर्मा घर से हो सकती हैं बेघर। बिग बॉस का यह सीजन कई सारे ट्विस्ट और टर्न के साथ फरवरी महीने तक आ पहुंचा है, जहां पर इस बार न सिर्फ इस शो के ड्यूरेशन को बढ़ाया गया बल्कि इस शो में कई बार घर से बेघर हुए लोगों को भी वापस लाया गया है। अब खबरों की माने तो आने वाले 2 हफ्तों में इस शो का फिनाले होने वाला है, जिसके लिए अब घर से बेघर होने वालों की संख्या में इजाफा होगा, जिसके तहत इस हफ्ते मिड वीक में माहिरा शर्मा को घर से बेघर कर दिया जाएगा। फोन पे के जरिए अब चैटिंग भी कर सकेंगे यूजर्स। फोन पे यूजर्स के लिए अहम सूचना, अब फोन पे यूपीआई पेमेंट ऐप से एक नया फीचर जुड़ गया है, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए ही रोल आउट किया गया है, जिसमें कि अब आप पैसे के आदान प्रदान के साथ साथ बातचीत भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में भी जल्द ही व्हाट्सएप पे का पेमेंट फीचर रोल आउट होने वाला है, वहां पर भी यूजर्स पेमेंट के साथ साथ चैट भी कर सकेंगे। गरीब रथ ट्रेन में बेडरोल लेना हुआ जरूरी। ट्रेनों में बेडरोल के इधर उधर होने की समस्या को देखते हुए रेलवे विभाग ने बेडरोल को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब रेलवे विभाग ने दुरंतों और अन्य ट्रेनों की तरह गरीब रथ में भी बेडरोल के शुल्क को किराए के साथ ही जोड़ने का प्रावधान किया है। अब गरीब रथ के एसी बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को अन्य ट्रेनों की तरह ₹25 देने का निर्देश जारी किया गया है, जो कि अब सभी यात्रियों के टिकट के पैसों के साथ ही ले लिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है राजेंद्र प्रसाद सिंह, दरोगा कुमार, अमरनाथ कुमार, राजेश कुमार, कुंदन कुमार, प्रदीप कुमार, मिर्साद अली, दीपक कुमार, मुकेश कुमार रॉय, मोहम्मद शाह आलम, अरमान खान, अभय कुमार, संजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे थे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एनआरसी लागू नहीं करने पर आपका क्या विचार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।